अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बच्चों, अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ, जो आप जिसकी मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा अपनी रिकॉर्डिंग, वो है जीआईएस। आपने रिमोट सेंसिंग पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो ये जीआईएस जो है इसको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ये आसान सा टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है। बेटा, हमारे पास जो डाटा होता है ना, डाटा डाटा मतलब डाटा है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको दो तरीकों से हम प्रेजेंट करते हैं। उसके दो कन्वेंशनल तरीके हैं किसी भी बहुत सारे डाटा को प्रेजेंट करने। एक डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका है जिसको हम डेटाबेस कहते हैं। अच्छा, ये डेटाबेस जो होता है ना, उसमें जो कलेक्शन ऑफ डाटा है या इंफॉर्मेशन है, इसको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसको आसानी से सर्च किया जा सके और रिट्रीव किया जा सके, यानी उसको चेंज किया जा सके। डेटाबेस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम डाटा को स्टोर कर सके, रिट्रीव कर सके, मॉडिफाई कर सके, और इवन अगर हमने उसको डिलीट करना है तो उसको डिलीट भी कर सके, और उसकी प्रोसेसेस या ऑपरेशंस अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर सके। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पॉपुलेशन का डाटा है, और इस पॉपुलेशन के डाटा में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनकी पॉपुलेशन मेल फीमेल की और हाउस होल्ड टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये सब दी हुई है। बेटा, अगर मिसाल के तौर पे आपने चकवाल में जाके मेल की पॉपुलेशन में कोई चेंज लानी है, तो आप इजीली चकवाल तक को सर्च कर सकते हैं, और उसमें अगर ऐड करना चाहें कोई फिगर ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर डाटा इस फॉर्म में अरेंज किया जाए जो मैंने फॉर्म आपके सामने दिखाई है, इसको हम डेटाबेस कहते हैं। एक तरीका तो डाटा को महफूज करने का और रिप्रेजेंट करने का ये है। एक और तरीका भी है, इस तरीके से बेसिकली डाटा को आसानी से सर्च भी किया जा सकता है और आसानी से उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका है वो है मैप्स। मैप्स जो है ना, एक फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फ्लैट सर्फिस है, उसके ऊपर आप इस तरह का मैप ड्रॉ करके किसी भी एरिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको आप बेटर वे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके डाटा को भी आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं इस मैप के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखिए, मैं अगर डेटाबेस और मैप्स को कंपेयर करूँ तो इनके कंपैरिजन में दो चीजें आती हैं। मैप्स को अगर देखा जाए तो इनकी विजुअल इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी है, यानी कलरफुल होते हैं, फिजिकल फीचर्स को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन डेटाबेस की सर्चिंग बहुत अच्छी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने मैप में किसी चीज को, किसी एक एरिया को सर्च करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपने वही डाटा डेटाबेस की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, तो आप उसको सर्च आसानी से कर सकते हैं। ये इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी मैप्स को सर्च करना मुश्किल है और डेटाबेस की विजुअल इंटरप्रिटेशन जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, डेटाबेस जो है वो एक कॉलम्स और रोज की फॉर्म में जो है वो कलरफुल प्रेजेंटेशन नहीं है और आई कैचिंग नहीं है। अब डाटा को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, मैप्स एंड डेटाबेस। अच्छा बेटा, अब याद रखें, एक बंदा था, उसने ये सोचा कि मैं अगर डेटाबेस और मैप्स को आपस में कनेक्ट कर दूं और कनेक्ट करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जिसमें मैं एट द सेम टाइम डेटाबेस और उनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो थ्रू मैप्स में स्टडी कर सकूं। तो उस बंदे ने, रॉजर टॉमिल्सन उसका नाम था, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया 1960s में। उस सॉफ्टवेयर का बेटा नाम है GIS। तो GIS बेसिकली क्या है, इट इज द लिंक बिटवीन मैप्स एंड डेटाबेस। अब देखें, GIS का मतलब है ऑटोमेटेड सर्चिंग ऑफ डेटाबेस गेट्स विजुअल इंटरप्रिटेशन थ्रू इट्स कनेक्टिविटी विद मैप। यानी डेटाबेस को अगर आपने विजुअल इंटरप्रिटेशन देनी है तो उनकी मैप्स के साथ कनेक्टिविटी कर दें, मैप्स के साथ कनेक्ट कर दें, तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड GIS, वो GIS होगा। बेटा, GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है जो असेंबल करने में, स्टोर करने में डेटा को, ज्योग्राफिकली रेफरेंस जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी एरिया वाइज, एरिया के हवाले से जिसको एरिया के साथ लिंक किया जा सकता है, उसको असेंबल करने में, स्टोर करने में, मैन्युपुलेट करने में और डिस्प्ले करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो GIS जो है, इट्स अ कंप्यूटर सिस्टम, इट्स अ सॉफ्टवेयर, ये चीज आप याद रखिएगा।
जीआईएस के थ्रू आप मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं, मैप इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर के ऊपर आप मैप्स की इंफॉर्मेशन को बड़े बेटर वे में इंफॉर्मेशन को मैप्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप मैप्स को एडिट करना चाहें कंप्यूटर, उसी सिस्टम में आप एडिट भी कर सकते हैं। आप जो मैप्स की इंफॉर्मेशन होती है उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनके अंदर जो क्यूरीज होती है उनको हल कर सकते हैं, और किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन है जो डेटा की फॉर्म में है उसको आप मैप में कन्वर्ट करके आप मैप्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम उसका आप डेटा भी स्टडी कर सकते हैं वेरी इजीली। तो ये बेटा जीआईएस की हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब आगे चलते हैं। अच्छा बेटा ये देखिए किस बंदे ने इसको इन्वेंट किया था और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 1968 में रॉजर टॉमिल्सन ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। 2002 में ना एक वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें ये कमिटमेंट की गई थी, तमाम कंट्रीज ने बात ये कमिटमेंट की थी कि हमें जो अर्थ को ऑब्जर्व करने के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। इसमें खासतौर पर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी सेटेलाइट के जरिए जो होती है, ग्लोबल मैपिंग और GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि हम इन्वायरमेंट के हवाले से क्वालिटी डाटा इकट्ठा कर सकें और जो हमारी लैंड के इस्तेमाल में यूज में जो चेंज आ रही है उसको हम बेटर वे से स्टडी कर सकें। तो इस कमिटमेंट की वजह से ये GIS जो है ये एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर बन चुका है। अच्छा बच्चों ये GIS एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें फोटोग्रामेट्री, ठीक है, सर्वेइंग आप कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, डेटाबेसेस को स्टडी कर सकते हैं, और कंप्यूटर की हेल्प से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, और इवन आपने डिजिटल मैप्स बनाने हो तो आप मैपिंग भी कर सकते हैं। तो ये GIS एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड बन चुकी है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों अब मैं कॉमन लाइफ से आपको GIS की एक एप्लीकेशन बताता हूँ। आप ये GPS वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने किसी जगह को लोकेट करना हो तो आप मुख्तलिफ लाइंस की फॉर्म में, ठीक है जी, एरोज रोज की फॉर्म में आपको आपकी रहनुमाई की जाती है। ये बेसिकली ये सब कुछ मुमकिन हुआ है आपके GIS के थ्रू, क्योंकि उसने मैप्स को डाटा के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो इसलिए आपको मैप्स और डाटा दोनों चीजें उसकी एट द सेम टाइम GPS के थ्रू अवेलेबल होती है। बेटा अगर आपने मॉडलिंग करनी होती है GIS के थ्रू तो आपके पास दो तरीके होते हैं किसी भी जगह के मैप्स बनाने के। एक तो वेक्टराइजेशन है जिसमें आप लाइंस और वगैरह यूज करते हैं, पॉलीगॉन्स वगैरह, और एक होती है रेस्टराइजेशन। रेस्टराइजेशन में आप सिर्फ ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स की मदद से किसी एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टराइजेशन जो मेथड होता है ना मैप्स बनाने का, इट इज फार बेटर देन रेस्टराइजेशन। ये आप याद रखिएगा कि वेक्टराइजेशन मेथड इज फार बेटर देन रेस्टराइजेशन। अच्छा जी ये GIS का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आप मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनका डाटा एक डिस्क की फॉर्म में आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक पूरा एक रियल वर्ल्ड है उसके अंदर कितना लैंड यूजेज हो रहा है, कितने पार्सल्स जो है वो हो रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट हो रहे हैं, ठीक है जी, कितनी एक खास एरिया में कोई एरिया रियल वर्ल्ड के किसी एक खास एरिया में कितनी स्ट्रीट्स हैं, कितना उसका लैंड यूज है, ये सारे फीचर्स एट द सेम टाइम इसके अंदर सेव हो जाते हैं। और अगर किसी एक फीचर को आप क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल मैप्स और डाटा आपके सामने आ जाता है। अब ये देखिए GIS में आपको इनपुट करने के लिए क्या चीजें चाहिए। यहाँ तो आप सर्वे मैप्स को इनपुट कर सकते हैं, या आप रिमोट सेंसिंग डाटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं, या आपने कहीं फील्ड से सैंपलिंग की है उसका डाटा आप इनपुट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा आप इसमें इनपुट करके आप उससे रेलेवेंट मैप और डेटाबेसेस एट द सेम टाइम बना सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा अब ये देखिए मिसाल के तौर पे आपने फील्ड सैम्पलिंग डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है जी, तो मैप डाटा सफिशिएंट नहीं होता एनालिसिस के लिए, ठीक है जी, आपको एट्रीब्यूट या फील्ड डाटा भी रिक्वायर्ड है। एक्यूरेट पोजिशन मेजरमेंट्स जो है GPS के थ्रू हम करते हैं, और कन्वेंशनल सर्वे डाटा जो होता है मिसाल के तौर पे किसी वहां पे कोई सोल्यूशन है उसके पीएच मालूम की वहां पे कितना फास्फोरस है एरिया में, पोटेशियम कितना है, ठीक है जी, उस ए वहां पे जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी कितनी है, इस तरह कई एट्रीब्यूट होते हैं उनका डाटा इकट्ठा करके। तो मैप्स में ये सारी चीजें तो आपको नहीं मिलेंगी, तो इस GIS के थ्रू और मैप्स की कनेक्टिविटी के थ्रू
आप उस डेटे को विद रिस्पेक्ट टू मैप्स स्टडी कर सकते हैं। इवन आप देखें जो हमारा डेमोग्राफिक डेटा होता है जिसको पॉपुलेशन डेटा कहा जाता है, उससे हम ग्राफ्स और मैप्स बनाते हैं। एग्रीकल्चरल डेटा है, हमारा जीडीपी है, जीएनपी है, हमारी जो आबादी का रिकॉर्ड है, हमारा वाटर रिलेटेड डेटा है, हमारा एजुकेशन हेल्थ डेटा है, ये सारा डेटा जो है इसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा कहते हैं। इसको जीआईएस के थ्रू हम इसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी यूज करके हम इसको बड़े बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट में ये है जी, ये देखें ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास मैप्स हैं, रिमोट सेंसिंग डाटा है, फील्ड सैम्पलिंग डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा, और ये एक वर्कर है जो जीआईएस के थ्रू काम कर रहा है। तो ये देखें आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। इसमें रिजल्ट में क्या है कि ये आपको एक तो डेटाबेस मिल रहा है और उससे रेलिवेंट मैप आ रहा है। अगर आप कहीं मैप में जाके कलेक्ट करेंगे तो उससे रेलिवेंट डेटाबेस ओपन हो जाएगा, और अगर आप डेटाबेस में जाके जो है वो क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट मैप्स ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए ये इट्स ए वर्सटाइल सॉफ्टवेयर और इसको इन्वायरमेंटल साइंसेज में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।